नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार की राजनीति में पिछले कई महीनों से ये बातें उठ रही है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे जेडीयू में शामिल होंगे, लेकिन अब इस बात पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है। बता दें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, इस बात की जानकारी खुद उनकी तरफ से दी गई है। एक झटका है ये तेजस्वी यादव के लिए, जहां एक तरफ आरजेडी को मजबूत करने की कवायद में इस वक्त तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं, तो वहीं जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह आरजेडी नहीं बल्कि जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अजीत सिंह की तरफ से कहा गया है कि ये पार्टी में जाने का जो फैसला है वो उनका खुद का फैसला है, इससे परिवार में कोई विवाद नहीं आएगा। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि क्या कुछ कहा गया है अजीत सिंह की तरफ से, जेडीयू में कब वो शामिल हो रहे हैं और किस तरह से ये कार्यक्रम जो है वो जेडीयू में आयोजित किया जाएगा और क्या कुछ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे इंजीनियर अजीत सिंह जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, इसकी जो चर्चा है वो पिछले कई महीनों से हो रही है, लेकिन अब इस बात की पुष्टि खुद अजीत सिंह की तरफ से की गई है। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम को बचपन से ही देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आरजेडी से ज्यादा जेडीयू में मुझे सीखने को मिला, समझने को मिला है। ऐसे में अजीत सिंह ने कहा है कि मेरे पिताजी जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है और मैं जेडीयू ज्वाइन कर रहा हूँ, इससे परिवार में किसी तरह की टूट की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे बड़े भाई सुधाकर सिंह जो आज आरजेडी से विधायक है वो भी कभी बीजेपी में रहे हैं, तो पारिवारिक जीवन और राजनीतिक जीवन दोनों अलग अलग चीज है और इससे परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही अजीत सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार बड़े समाजवादी नेता हैं और उनसे काफी कुछ सीखने को भी मिला है। ऐसे में जगदानंद सिंह के बेटे ने कहा है कि वो 12 अप्रैल को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से पार्टी की सदस्यता लेंगे। वहीं जेडीयू और आरजेडी के बीच राजनीतिक हमले को लेकर उन्होंने कहा है कि ये दोनों बड़े दलों का मामला है, मेरे पिताजी ने मुझे राजनीतिक फैसले लेने की आजादी दी हुई है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आरजेडी में मैं झोला और झंडा वाला कार्यकर्ता था और जेडीयू में भी मैं कार्यकर्ता बनकर ही जा रहा हूं। ऐसे में परिवार में किसी भी टूट से इनकार किया है अजीत सिंह ने और उन्होंने साफ कहा है कि जेडीयू ज्वाइन करना ये उनका खुद का फैसला है, इसमें उनके पिताजी का कोई रोल नहीं है। ऐसे में 11 अप्रैल को ललन सिंह अजीत सिंह को सदस्यता दिलवाएंगे, इस बात की जानकारी खुद जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह की तरफ से दी गई है। तो भले ही तेजस्वी यादव अपने कद को बिहार में बढ़ा रहे हो, लेकिन जेडीयू अपना काम सही से कर रही है और इसका असर भी अब होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आरजेडी से जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह 11 अप्रैल को जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं, इस बात पर मोहर लग चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।